हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। आज हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस एंड उसके बारे में हाउ टू क्लियर ऑल द क्वेश्चंस एंड उसके रिगार्डिंग जो भी कोई प्रॉब्लम हमें आती है उसके रिगार्डिंग करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ ये अपनी को डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के लिए ये मैं बता देता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने सबसे पहले एक पॉइंट लिया है, ओ पॉइंट। ओ पॉइंट से जैसे हम इस साइड लाइन लगाते हैं और इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पॉइंट, जो हमारा बेस पॉइंट होगा। ये बेस पॉइंट हमारा इसलिए होगा कि इस पॉइंट से ही हमने व्यू करना है कि कौन सी साइड हमने क्वेश्चन को मूवमेंट देना है, कौन सी साइड हमने क्वेश्चन की डायरेक्शन में इंक्लूडिंग और क्वेश्चन की और मूवमेंट को ऐड करना है। तो देखो, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ओ है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से व्यू करना है कौन सी साइड है। जैसे इस पॉइंट पे खड़े होके हमने अगर यहाँ से लाइन ऑब्जेक्ट को देखना चाहा, तो हम इस पॉइंट पे अगर लाइन, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल से डाउन की तरफ देख रहे हैं हम अपने हॉरिजॉन्टल लाइन के बेस पॉइंट से। तो ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। तो इस लाइन पे हमें जो ऑब्जेक्ट व्यू कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट को, उससे वो हमारी जो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बनती है उसे लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। तो इस तरह हम अगर इसी डायरेक्शन के, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पड़ा, यहाँ की तरफ पड़ा रखा गया, तो उस लाइन को हम बोलेंगे, तो वो लाइन भी हमारी अप साइड होगी, लाइन ऑफ वर्टिकल जो इस लाइन के ऊपर की होगी। तो चलो दोस्तों, आज हम स्टार्टिंग मैंने कुछ 7 पॉइंट लिए हैं, 7 एंगल्स बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है शॉर्टकट तरीके से। बेसिक तरीके से तो हम बहुत लंबा जाएंगे, लेकिन हमें शॉर्टकट चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत स्मॉल टाइम मिलता है, इसके अकॉर्डिंग हम इस शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमारा एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल वन। जो देखो इस साइड ट्रेंगल वन है, इस ट्रेंगल वन पे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेंगल वन, मैंने एक ट्रेंगल लिया है, ट्रेंगल ए ओ बी और जहाँ ए बी ओ। इस ट्रेंगल के हमने जो ये डिग्री एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये जो मेरा परपेंडिकुलर एंगल है, परपेंडिकुलर तो मानो ये ऑलवेज हमारा 90 डिग्री का ही एंगल रहता है, और ऊपर वाला हमारा 60 डिग्री का, क्योंकि सम ऑफ एंगल 180 होना चाहिए। ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, इसलिए हमारा ये 30 है तो ये ऑटोमेटिकली 60 का हो गया और ये 90 का हो गया। और इसके बाद अगर हम सबसे स्टार्टिंग हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सपोज करो हमारा ये ए और ये रूट 3a और ये 2a अकॉर्डिंग टू उसके आ जाएगा। हमारा बेसिक फंडा है कि हमें ये लर्न करना है, माइंड में सेटअप बना लेना है। अगर 30 के आगे वाला, 30 के ऑपोजिट सामने वाला जो परपेंडिकुलर है उसका पोजिशन ए हुई, तो उसका बेस का 30 का वो जो ऑपोजिशन टू ऑपोजिट टू 60 है उसके रूट 3a होगा, और हाइपोटेन्यूस 2a होगा। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है डायग्राम टू है, डायग्राम टू के अंदर क्या है कि हमने अभी इसी को उसी में ही 30 और 60 को इंटरचेंज कर दिया है, ओनली आपको समझाने के लिए भी, कल को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो एग्ज़ाम में भी ये जो एंगल दे रहे हैं परपेंडिकुलर के ऑपोजिट में वो 60 का है 30 का है, तो इसके अगर कोई क्वेश्चन में बैरियर ना आए। तो इसके लिए हमने दिया है ए, इसको अगर बेस ए माना है तो हमारा ए ऑपोजिट टू 30 एंगल 30 डिग्री के है, और ये रूट 3a जो है ये हमारा ऑपोजिट टू 60 का एंगल है। तो ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है। तो इसमें क्या है कि अब हम क्वेश्चन को इजीली ही सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन पोजीशंस। सो आपको मैथ एग्ज़ाम के अंदर कुछ नहीं, बस माइंड में सेटअप बनाना है कि अगर 60 के ऑपोजिट रूट 3a होगा तो एक दूसरा एंगल 30 बचा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 90 ही होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो इसके अकॉर्डिंग 30 डिग्री, और अब 30 के ऑपोजिट हमारी जो हम जो पॉइंट लेंगे वो ए लेंगे। सपोज यहाँ पे कुछ ए ले लेते हैं, ए को जैसे मैंने इसको 1 ले लिया तो ये 3 के साथ 1 हो जाएगा, बट ये 2 ओनली 2 हो जाएगा, 1 को 1 के 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए हमारा एग्ज़ाम हमारा जो एक एग्ज़ाम्पल है यही डायग्राम इन ट्रेंगल्स
अल्टरनेट एंगल का बना दिया मैंने। अब फिगर थर्ड में जाते हैं हम, तो थर्ड के अंदर ये हमारा जो है, एक सेकंड, ये हमने एक एंगल लिया है, ये हमारा ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा। एक अगर ये 90 है तो अगर ये हमने 45 लिया तो एंगल जो 45 है, ये 45 डिग्री का एंगल, तो उसके ऑपोजिट 90 45 और डे तो 180 के तीनों का सम हमारा 180 बनता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसका बेस पॉइंट होता है, अब देखो 45 के सामने हमने 1 लिया तो इस 45 के ऑपोजिट में हमें 1 ही लेना पड़ेगा। अगर हम इसका और इसका हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो रूट 2 बनता है, 1 बनता है, तो 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो जाता है 1। अगर इसी क्वेश्चन में हम इसको ए लेते हैं, अगर इसको 45 डिग्री के ऑपोजिट में हम इसको ए ले लिया और ये भी फिर हमारा ए हो गया क्योंकि इस साइड ऑपोजिट 45 है तो ए हो गया ए ए, और अगर इसको हम निकालते हैं तो हमारा रूट 2 ए हो जाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ही इसको चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको अच्छा लग, मुझे अंडरस्टैंड करवाने में यही पॉइंट मेंशन करवाने थे, ए और ओनली 1, तो आपको कल को कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और एग्ज़ाम में आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। सेकंड एग्जांपल है हमारी ये वाली, इसमें हमने क्या लिया है कि जो हमारा ये हमने ट्रेंगल बनाया ए बी सी और इसकी एक्सटेंड करके डी बना दिया जो ए के साथ कनेक्ट है। तो इसमें हमने क्या किया है, इस एंगल के साथ में हमने लिया है, इसके सामने हमने देखो ये जो मेरा, एक सेकंड, ये हमारा जो एंगल है ये हमारा 45 है, ये देखो ये 45 है, प्रीवियस ट्रेंगल में हमने देखा था ये 45 है, तो इसके सामने वाला ये भी 45 होगा, तो ये 45 है तो इसका 1 है तो इसका यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन हमने क्या किया, ये 60 को एक्सटेंड कर दिया, 60 को अगर इस सी को डी तक एक्सटेंड किया तो ये हमारा इसके बाद 30 डिग्री, आपको ये रिमेंबर रखना है, ये 45 डिग्री है तो ये हमेशा इससे कम होता है आगे एक्सटेंड किया के एंगल, जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर के पास आते रहेंगे ये एंगल बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे एंगल घटता रहता है। तो यहाँ पे देखो 45 है तो ये हमने 30 कर दिया, 30 ये 1 है तो ये हमें क्या लेना है, क्योंकि ये 1 है तो ये रूट 3 माइनस 1 लेना है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये माइंड में सेटअप बना लेना है, क्योंकि ये देखो हम एग्ज़ाम के अंदर टाइम शॉर्टेज के कारण हम इसको बना नहीं सकते ट्रेलिंग, बस माइंड में रखना है यस यस यस, देन हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और जब कुछ देर आप क्वेश्चन लगाओगे तो इसके आपके सब क्वेश्चन में अपने अपने माइंड में सेटअप बन जाएगा, तो आपका इजी सॉल्व हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बस अंडरस्टैंड करना है माइंड में भी हमें कैसे निकलता है, कैसे ये इसको सॉल्व करना है, कैसे है। अब नेक्स्ट इसका डायग्राम है ट्रेंगल का, ये वाला ये है 5 नंबर डायग्राम। इसमें हमने फिर ए बी सी डी एक ट्रेंगल लिया है, इस ट्रेंगल में हमें 60 और 45, देखो इसमें भी क्या है कि आपको ये जो है ये आपको 60 डिग्री है, और देखो ये जब 60 से आगे की तरफ बढ़े हम तो 45 हो गया, ये भी 15 का इसमें डिफरेंस है, और ये देखो इसमें यहाँ पे हमने ये 60 है, ये हमारा 1 हुआ क्योंकि ये हमारा 30 का, 30 के सामने हमने 1 लिया तो ये हमारा रूट 3 आ गया 60 के अपोजिट में, और इसको जब ये लिया तो ये हमारा वो सेम प्रोसीजर रूट 3 माइनस 1, ये इसका इतना डिस्टेंस आएगा। कई बार ये डिस्टेंस पूछा जाता है, ये डिस्टेंस इसमें सॉल्व करके बताया जाए क्वेश्चन में कितना डिस्टेंस है, ये सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, सेम क्वेश्चंस हैं, अगर आपके माइंड में ये सेटअप आ गया तो यू कैन डू इजीली। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है डायग्राम नंबर 6, डायग्राम नंबर 6 में क्या है कि ये जो एक ए बी सी और डी हमने एक ट्रेंगल लिया है, उसको सी को एक्सटेंड करके डी तक बढ़ाया है, और ये हमने फिर 60 लिया है, तो ये सेम उसी प्रोसेस पे है कि अगर आपका देखो हाफ हो जाता है, वो वहाँ 15 डिग्री था, अगर उसका हाफ हो जाता है, अगर हमारा ये 1 है, ये रूट देखो 60 के सामने रूट 3 आएगा, ये 1 लिया तो ये 1, तो हमारा क्या होगा कि अगर हमने इसको 1 लिया ये 3 लिया तो ये हमारा क्या होगा 2 1 2 into 1 आएगा तो 2 हो जाएगा 2, तो ये 30 है
ये हाफ हो, ये क्या होता है, इसका एंगल हाफ होता है तो ये इसकी लेंथ डबल होगी। यहाँ पे वन है तो यहाँ टू होगा, यहाँ ए है तो यहाँ टू ए हो जाएगा, ये डबल मल्टीप्लाई है। तो आपको ये पूछा जाएगा, ये डिस्टेंस बताओ कि ये जो हमारा सी से डी कितना कितना डिस्टेंस है इसमें, तो ये इसका डबल हो जाएगा। आपको इजीली बता देना है, इसका ये 60 है, देखो हाफ हो रहा है तो ये डबल हो जाएगा, डिस्टेंस डबल होगा, आधा होता है एंगल, आधा होता है तो डिस्टेंस इसमें डबल हो गया। आप में इसमें भी कोई टाइम डरने वाली बात नहीं है, ये भी माइंड में सेटअप बनाना है। तो दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप फटाफट क्वेश्चन करें और अपना टारगेट एग्ज़ाम में पूरा करें। नेक्स्ट जो हमारा है, ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, ये हमने लिया है एग्जाम्पल, ये जो हमारा ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है 30 डिग्री का। इसमें क्या है कि जो हमारा एंगल है, जो इसमें हमारा एंगल है, ये जो एंगल है हमारा 30 डिग्री का है, ये वाला 30 डिग्री है तो ये सामने वाला 60 का हो जाएगा। तो ये हमने रूट थ्री लिया है, 60 के सामने ऑलवेज रूट थ्री आएगा, और फिर ये हमारा इसमें वन आ जाएगा, सात वाला ये वन आ जाएगा, और ये फिर देखो वन आएगा तो ये 15 आधा हो रहा है, देखो 30 का आधा हाफ हो रहा है तो 15, तो ये रूट इसका क्या है कि ये रूट एंगल आ गया तो यहाँ टू होगा, टू का ये इसका ये डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम 15, तो ये क्या हो गया हमारा टू, इसका डबल हो जाता है, ये आधा होगा तो ये हमेशा डबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये टू हो जाएगा। तो दोस्तों यही मेरी आज की वीडियो थी, तो इसको लाइक करना, और जिन दोस्तों के टाइम हाइट एंड डिस्टेंस में इशू हो तो वो अपने दोस्तों को आके इसको सेंड करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।